योगी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में फुल फॉर्म में दिखाई दे रही है। भू माफियाओं और अपराधियों पर तेजी के साथ बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। इन सब के बीच रामपुर में प्रशासन की ओर से समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष उज्ज्वल सिंह उर्फ साबी को भी भू माफिया घोषित किया गया। साथ ही अवैध रूप से कब्जाई जमीन पर बुलडोजर चलाकर करीब 2 करोड़ रुपए की जमीन पूर्व जिलाध्यक्ष के कब्जे से मुक्त कराई गई। आरोप है कि पूर्व जिलाध्यक्ष उज्ज्वल ने अपने रसूख के चलते कुछ पट्टाधारक किसानों की भूमि पर कब्जा जमा रखा था, जिसे अब प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर कब्जा मुक्त कराया। थाना बिलासपुर में ये उज्ज्वल दीदार और साबी है, ये चिन्हित माफिया है। कुल हमारे यहाँ 25 माफिया है, जिनमें अब तक 8 करोड़ रुपए की रिकवरी कर चुके हैं, 14-1 में जब्ती कर चुके हैं गैंगस्टर में। आज इसका साबी का करीब 5 एकड़ इसने जबरिया कब्जा कर रखा था एक व्यक्ति का, उसको मुक्त कराया गया है। करीब मार्केट वैल्यू उसकी 2 करोड़ की होगी। ये 5 एकड़ जमीन इस माफिया से मुक्त कराई है। ये अभियान चल रहा है, लगातार जारी रहेगा। इस तरह से माफियाओं की कमर तोड़ने का प्रयास रामपुर पुलिस कर रही है, जिससे जनसामान्य में एक भयमुक्त वातावरण होने का मैसेज जा सके। आपको बता दें कि कुछ वक्त पहले थाना बिलासपुर में एक किसान ने शिकायत दर्ज कराई थी कि सपा नेता उज्ज्वल दीदार उर्फ साबी ने उनकी 5 एकड़ जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। शिकायतकर्ता के शिकायत पर संज्ञान लेते हुए राजस्व विभाग ने जांच शुरू की और आरोप सही पाए जाने के बाद कार्रवाई करते हुए जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। पंजाब केसरी टीवी के लिए रामपुर से रविशंकर की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।